वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस मूवी की शुरुआत होती है रफ़ी से। 37 वर्षीय रफ़ी काफ़ी करियर ओरिएंटेड है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रफ़ी एक थेरेपी स्पेशलिस्ट के पास पहुंची है। इसका नाम है लीसा। लीसा से यह कहते हुए बताती है कि उसकी उम्र 37 साल हो चुकी है और हाल ही में उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है। अभी वो डिवोर्स के पेपर पर साइन करके आई है। यहाँ वो ये भी कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए जिसके साथ वो हंस खेल सके और अपनी बाकी की लाइफ स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड 23 साल का एक यंग पेंटर है। वो अपनी पेंटिंग में काफ़ी मशगूल है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू रवि और डेविड की मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलते मिलते एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना भी शुरू कर देते हैं। रफ़ी इन सब के बारे में अपनी थेरेपिस्ट लीसा से बताती रहती है। लीसा उसे इस रिलेशनशिप के लिए मोटिवेट करती है। कुछ दिनों के बाद इस कहानी में एक खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि डेविड लीसा का बेटा है। एक सेशन के दौरान रफ़ी जब डेविड के बारे में बताने लगती है, तब लीसा ये समझ जाती है कि रफ़ी और किसी को नहीं बल्कि उसी के बेटे को डेट कर रही है। इससे वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है और अपनी उलझन दूर करने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाती है। थेरेपिस्ट उसे कहती है कि लीसा को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम के साथ ये रिलेशनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। इधर डेविड और रफ़ी ने लिव इन में एक साथ रहना शुरू किया है। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड काफ़ी इमैच्योर है और रफ़ी घर का सारा काम करती है। इन दोनों में अक्सर तू-तू मैं-मैं हो जाती है। अपने अगले सेशन में लीसा रफ़ी को बता देती है कि डेविड उसी का बेटा है। इसके बाद रफ़ी लीसा पर गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। डेविड को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ लीसा को फ़ोन करके डांटता है कि उन्होंने उन दोनों को धोखा दिया है। एक दिन डेविड और रफ़ी में इतनी लड़ाई होती है कि डेविड यहाँ से चला जाता है। दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है। यहाँ पर वो एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। पर अगले ही दिन सुपरमार्केट में डेविड की मुलाकात फिर से रफ़ी से होती है। ये दोनों वापस डेविड के रेजिडेंस पे जाते हैं। यहाँ दोनों एन्जॉय करते हैं और फिर ये दोनों अपने रिलेशनशिप को वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं। रफ़ी और डेविड मिलकर डेविड की फैमिली के साथ डिनर पर जाते हैं। यहाँ रफ़ी लीसा से कहती है कि वो डेविड के साथ एक बच्चा प्लान कर रही है। ये सब सुनकर लीसा काफ़ी नाराज होती है। डेविड इस समय काफ़ी कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। वो लीसा से थेरेपी लेने जाता है। लीसा उसे कहती है कि उसे रफ़ी को छोड़ना नहीं चाहिए, रफ़ी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद डेविड फैसला करता है कि वो रफ़ी के साथ ही रहेगा, उसी से शादी करेगा। वो रफ़ी से मिलता है और कहता है कि वो बच्चे के लिए रेडी है। यहाँ रफ़ी रियलाइज करती है कि डेविड उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस कर रहा है। वो सोचती है कि डेविड जो कि 23 साल का है, अगर अभी बच्चा हो गया तो वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएगा। इस एज में इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले नहीं पाएगा। ये सब कहकर वो डेविड से ब्रेकअप कर लेती है। डेविड उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो मानती नहीं है। इन सब के बाद कहानी एक साल आगे जाती है। एक साल बाद डेविड का रफ़ी से अचानक सामना होता है। वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट में रफ़ी बैठी हुई है और वो भी उसकी तरफ स्माइल पास करती है। इसके बाद वो वापस आ जाता है। वो ये रियलाइज़ करता है कि इस रिश्ते का ख़त्म होना ही बेहतर है और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों के एक्सप्लेनेशन हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।